हम सबको पता है कि चीता दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, पर क्या आपको पता है कि हमारे प्लेनेट का सबसे स्लो क्रीचर कौन है? क्या ये टॉर्टोइज है या फिर ये स्नेल? आज इस वीडियो में हम आपको अर्थ पे पांच सबसे स्लोएस्ट क्रीचर के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करके और लोगों को इस बारे में एजुकेट कीजिएगा। हमारे प्लेनेट का फिफ्थ सबसे स्लोएस्ट क्रीचर माना जाता है बनाना स्लग। ब्राइट येलो कलर के ये स्लग एकदम बनाना जैसे दिखते हैं, इसीलिए इनको बनाना स्लग कहा जाता है। ये सेंट्रल कैलिफोर्निया और अलास्का के जंगल्स में पाए जाते हैं। इन स्लग्स की स्पीड सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर पर आर की होती है। ये स्लो तो होते ही हैं, साथ ही इनका एक इंटरेस्टिंग फीचर ये भी है कि ये स्लग्स खुद में ही मेल और फीमेल दोनों होते हैं और इनको हर्माफ्रोडाइट्स कहा जाता है। बनाना स्लग्स खुद के साथ ही रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। फोर्थ स्लोएस्ट स्पीशीज में नाम आता है जाइंट टॉर्टोइस का। ऐसा भी माना जाता है कि जाइंट टॉर्टोइस दुनिया के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग क्रीचर्स हैं, पर सरप्राइजिंगली इन क्रीचर्स का लाइफ स्पेन 150 इयर्स तक का होता है। जाइंट टॉर्टोइस की वॉकिंग स्पीड 200 मीटर्स पर आर की होती है, मे बी इसलिए क्योंकि इनका वजन भी 350 किलोग्राम तक का होता है। पर अनफॉर्चुनेटली ये एंशिएंट क्रीचर्स जो कभी गैलापागोस आइलैंड पे अराउंड 250,000 के ह्यूज नंबर में हुआ करते थे, आज सिर्फ 15,000 ही बचे हैं, और इसी वजह से इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी लेबल किया गया है। इस स्पीशीज को स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। थर्ड स्लोएस्ट क्रीचर माना जाता है स्टार फिश को। सी स्टार्स जिनको कॉमनली हम स्टार फिश बुलाते हैं, ये प्रोबेबली दुनिया के स्लोएस्ट क्रीचर्स में से एक है। स्टार फिश अपनी बॉडी के निचले पार्ट में प्रेजेंट ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स को यूज करके मूवमेंट करते हैं। ये इन ट्यूब्स को अपने पैरों की तरह यूज करते हैं, और सरप्राइजिंग बात ये है कि स्टार फिश में ये ट्यूब्स 15,000 के ह्यूज नंबर्स में होते हैं, और जब ये चलते हैं तो इनका मूवमेंट ट्रॉलिंग जैसा लगता है। पर इतने सारे फीट होने के बाद भी स्टार फिश सिर्फ 60 मीटर पर आर की स्पीड पे मूव कर पाते हैं, और ये काफी ज्यादा स्लो है। वर्ल्ड के सेकंड सबसे स्लोएस्ट फीचर माने जाते हैं गार्डन स्नेल्स। हमारे गार्डन्स और प्लांट्स पे कॉमनली दिखने वाले स्नेल्स काफी ज्यादा स्पेशल होते हैं, और शायद इनका स्लो होना बनता भी है क्योंकि इनके कोई पैर नहीं होते। इनफैक्ट इनका मूवमेंट तो सिर्फ इनके फ्लैट मस्कुलर ऑर्गन पे ही डिपेंड करता है। ये स्नेल्स अपने मसल्स को यूज करके अपने आप को आगे धकेलते हैं, और साथ ही इस प्रोसेस को और इजी बनाने के लिए ये अपनी बॉडी से एक म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये स्नेल्स आराम से मूव कर पाते हैं। पर ऑब्वियसली ये क्रीचर स्लो तो होते ही हैं, क्योंकि इन स्नेल्स की स्पीड सिर्फ और सिर्फ 48 मीटर्स पर आर की होती है, जो कि काफी ज्यादा स्लो है, राइट? और हमारे प्लेनेट के सबसे स्लोएस्ट क्रीचर का अवार्ड जाता है थ्री टोड स्लॉथ्स को। यस, स्लॉथ्स हमारे प्लेनेट के स्लोएस्ट मूविंग क्रीचर हैं। इनफैक्ट ये इतने स्लो होते हैं कि इनके ऊपर एल्गी तक ग्रो करने लगती है। स्लॉथ्स मूवमेंट में तो स्लो होते ही हैं, साथ ही इनके बॉडी का फंक्शन और मेटाबॉलिज्म भी बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। ये पूप भी वीक में एक बार ही करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 18-20 मीटर्स पर आर की स्पीड पे मूव करते हैं, जो कि बाकी सारे क्रीचर्स से सबसे ज्यादा स्लो मानी जाती है। तो क्या आपने गैस किया था कि हमारे प्लेनेट के सबसे स्लो क्रीचर स्लॉथ्स होंगे? और अगर किया था तो क्या आपको बाकी क्रीचर्स के बारे में पता था? हमें जरूर बताएं। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अर्थ के स्लोएस्ट क्रीचर के बारे में जरूर बताएं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट संडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं, तो आप इकोफ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।